तो रेसलिंग पीडिया फैमिली द रॉक के रिटर्न आने के बाद ये दो महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और अब सिर्फ 3 दिन बच गए रेसलमेनिया 40 के लिए। और इस साल के रेसलमेनिया के लिए जो एक्साइटमेंट हो रखी है, मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैं रेसलमेनिया के नाइट 1 के लिए कब एक्साइटेड हुआ था, क्योंकि जैसा आप लोग जान रहे हो कि नाइट 1 अच्छा रहता है, लेकिन ये बात तो आप लोग मानोगे कि इस साल का रेसलमेनिया का नाइट 1 नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। और ये मैच अगर देखा जाए तो रोमन, रॉक, सेथ, कोडी और फैंस की वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि जब रॉक रिटर्न आए तो कहीं ना कहीं ऐसे रूमर्स भी आने लगे थे कि रॉक को जानबूझ के WWE ने बुलाया ताकि फैंस बहुत ज्यादा सपोर्ट करे कोडी को, और कोडी वर्सेस रोमन ही करवाना था WWE को। लेकिन अच्छी बात ये कि रॉक ने इस रूमर को क्लियर कर दिया और उन्होंने बता दिया कि WWE का एक्चुअल प्लान क्या था। तो रॉक ने इंटरव्यू देते हुए बोला कि WWE का प्लान यही था रॉक के रिटर्न आने के बाद कि उन्हें इस साल रेसलमेनिया 40 में रॉक वर्सेस रोमन रेंस ही करवाना था। और रॉक ने बोला कि गड़बड़ ये हो गई ना कि कोडी रोड्स पहले ही रॉयल रंबल मैच जीत चुके थे और उन्होंने रोमन की तरफ इशारा कर दिया था कि वो रोमन को चैलेंज करेंगे। इसलिए रॉक ने बताया कि जब उनका और रोमन का मैच एक तरह से फिक्स हो गया था और फैंस ने फिर नेगेटिव रिएक्शन दिखाना स्टार्ट किया क्योंकि कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत गए थे, तो फैंस ऐसा बोलने लगे कि देखो ये WWE गलत कर रहे हैं क्योंकि कोडी अगर रॉयल रंबल जीते हैं तो रॉक उनके स्पॉट कैसे ले सकते हैं। तो रॉक ने बताया कि जब उन्होंने और WWE ने फैंस का रिएक्शन देखा तो उन्हें भी लगा कि हां फैंस ठीक ही बोल रहे हैं। तो रॉक की स्टेटमेंट से अब ये बात क्लियर हो गई कि WWE को रोमन वर्सेस रॉक अभी भी करवाना ही है। तो ये जो रॉक का इंटरव्यू था ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इससे एक बात तो साफ हो रही है कि रॉक वर्सेस रोमन अभी भी हो गई। इसलिए मुझे रॉक का ये इंटरव्यू सुनने के बाद ना कहीं डाउट होने लगा कि क्या कोडी फाइनली अपनी स्टोरी ये रेसलमेनिया 40 में कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको एक दो दिन पहले ही बताया था कि रोमन ने ऐसा बोल दिया है कि अगर वो कोडी से अपना टाइटल हार गए तो उसके बाद उनको WWE में रहने का कोई मन नहीं, वो WWE छोड़ के चले जाएंगे। तो हाँ ये भी बात है कि ऐसी ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है और ना ही मैच में ऐसी कोई स्टिपुलेशन ऐड है कि अगर रोमन हार गए तो उन्हें WWE छोड़ के जाना पड़ेगा, पर रोमन ने एक तरह से बोल दिया कि अगर उनके पास टाइटल नहीं है तो वो WWE में नहीं है। तो एक जो रूमर चल रहा है और फैंस कहीं ना कहीं गेस कर रहे हैं उसके बारे में बात कर ही लेते हैं कि रॉक कहीं रोमन को धोखा देकर कोडी रोड्स की लास्ट में मदद कर देते हैं टाइटल जीतने में, क्योंकि रॉक बार बार ये बोल रहे हैं कि जब मैं ये कोडी का खून से लगा हुआ बेल्ट मामा रोड्स के पास लेकर जाऊंगा यानी कि कोडी की मॉम के पास, तो वो रोते हुए दिखेंगे और उनके आंसू इस बेल्ट पे गिरेंगे। तो फैंस कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि जब रॉक की वजह से कोडी फाइनली अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे तब भी तो कोडी की मॉम रोएंगी और फिर उनके आंसू आएंगे तो रॉक उनको वेलकम बोलेंगे क्योंकि हां मैंने तुम्हारे बेटे को जिता दिया। तो रॉक ने और WWE ने बहुत ही चालाकी के साथ रॉक का भी ऐसा हिंट दिया है कि रॉक धोखा दे सकते हैं रोमन को और फिर फाइनली रोमन वर्सेस रॉक सेट हो सकता है। वैसे इस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में बहुत कुछ मेरे दिमाग में ही चल रहा है और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी अपनी स्टोरी शेयर करूंगा। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये बस मेरी थ्योरी है, ठीक है, तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। अगर ऐसा हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो देखा जाएगा। तो रॉक जो बार बार अपने आप को फाइनल बॉस बोले जा रहे, कहीं ऐसा नहीं हो कि रॉक हील ही टर्न रहे और वो रोमन को ब्लड लाइन से बाहर निकाल दे और ब्लड लाइन के जो बाकी लोग हैं यानी कि पॉल हेमन, जिमी सोलो, सब रॉक की तरफ चले जाएं और रोमन फाइनली फेस सुपरस्टार फिर से बन पाए। तब सोचिए जब रॉक वर्सेस रोमन होगा तो रॉक के साथ पूरी ब्लड लाइन और रोमन अकेले फेस सुपरस्टार। तो रोमन के मैचेस में जो अभी तक होते आया था कि ब्लड लाइन के मेंबर्स आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, तो रॉक को अब ये एडवांटेज मिलेगा और रोमन अगर फेस सुपरस्टार बन गए तब भी उनका जो बाकी सुपरस्टार्स है वो भी साथ नहीं देंगे तो रोमन अकेले पड़ जाएंगे। तो ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, क्या पता देखो अभी WWE में कुछ भी पॉसिबल है। पर फिलहाल अगर WWE के रेसलमेनिया 40 की बात की जाए तो WWE के पास अभी बहुत ही टफ डिसीजन है कि रेसलमेनिया में अगर वो रोमन का टाइटल रेन खत्म करवा देते और उसके बाद रोमन तो बहुत टाइम के लिए गायब हो ही जाएंगे तो उसकी वजह से ऑब्वियसली WWE की रेटिंग कहीं ना कहीं तो गिरेगी, क्योंकि 2020 से जब से रोमन ट्राइबल चीफ बने तब से लेकर अभी तक जो WWE ने इतनी कमाई करी उसमें रोमन का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए बार बार ऐसा लगता है कि रोमन का टाइटल रेन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन WWE ने इतने टाइम तक मतलब और कोई सुपरस्टार जो कि बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार थे मॉडर्न एरा में उनका टाइटल रोमन के आसपास भी नहीं है। तो रोमन का टाइटल रेन अभी खत्म करवाना सेंस नहीं बनता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ है कोडी रोड्स जिन्हें फैंस बहुत ज्यादा पसंद करने लगे और WWE की वो अभी टॉप बेबी फेस सुपरस्टार है। तो WWE के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि रोमन का वो टाइटल रेन खत्म नहीं करवा सकते, कोडी को अगर दोबारा हरवा देते हैं तो कोडी की पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, फैंस भी फिर इस फिनिश द स्टोरी वाले से आगे बढ़ ही जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि रेसलमेनिया 40 बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और उसके बाद एक न्यू एरा स्टार्ट होगा WWE का। तो रेसलमेनिया 40 के बाद इस न्यू एरा को क्या रोमन और रॉक ही चलाते रहेंगे या फिर कोडी फाइनली टाइटल जीत कर अब अपनी कहानी खत्म करेंगे, ये तो बस अब कुछ ही दिनों में पता चलने ही वाला है। तो ये तो 100% कंफर्म है कि जो संडे का नाइट 1 है रोमन रॉक वर्सेस कोडी और सेथ, इस मैच में कोडी और सेथ मुझे लग रहा है कि हारेंगे। जो नेक्स्ट नाइट वाला मैच है कोडी वर्सेस रोमन,
इस मैच पे अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो स्मैकडाउन के जस्ट बाद मेरी रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन वीडियो आएगी, उसमें मैं अभी भी अपना दिमाग लगा रहा हूँ और फाइनल उसमें बताऊंगा कि मैं क्या प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ कि कौन जीतेगा रेसलमेनिया 40 में। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। टाटा।